लोकसभा चुनाव के लिए बनी कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाए जाने के साथ ही पूरे हरियाणा में हुड्डा समर्थक कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। हुड्डा समर्थकों ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि वो प्रदेश की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल कर दिखाएंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर बनी कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपने के फैसले के साथ ही पूरे हरियाणा में हुड्डा समर्थक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। लोकसभा चुनावों के लिए बनी कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए तो जैसे होली और दिवाली साथ साथ है। आज तमाम हरियाणा के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी व जोश की लहर है। हम सब हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, गुलाम नबी आजाद जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को चुनाव कोऑर्डिनेशन कमेटी का कमान सौंपने का काम किया। आज 36 बिरादरी में खुशी व जोश का माहौल है। यह फैसला देर से जरूर आया पर दुरुस्त आया। हरियाणा में बीजेपी की लहर के सवाल पर हिसार से कांग्रेसी नेता अनिल मान ने कहा है कि बीजेपी की लहर गुजरे जमाने की बात थी, अब चुनावी कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली है तो लहर क्या होती है ये तो अब हुड्डा ही साबित करके दिखाएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले भी अपना काबिलियत का लोहा मनवाया है और अब आने वाले समय में आपको दिखा देंगे कि 10 की 10 सीटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के झोली में हम डालेंगे सब मिलके। लोकसभा के चुनावी रण में हरियाणा से क्या परिणाम आएंगे ये तो हरियाणा की जनता जनार्दन ही तय करेगी, लेकिन हुड्डा को लोकसभा की चुनावी कमान सौंपे जाने के साथ ही सत्ताधारी बीजेपी को ये जरूर लगने लगा है कि कांग्रेस की कमजोरियों का फायदा अब और ज्यादा बीजेपी को नहीं मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज, हिसार।